आज के लेक्चर में हम आपको भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से भूगोल शास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसी प्रकार से भौतिक भूगोल की चार प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है आपका भूआकृति विज्ञान, दूसरा है आपका जलवायु विज्ञान, तीसरा आपका है समुद्र विज्ञान, चौथा आपका है जीव भूगोल। तो भूआकृति विज्ञान पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम। भूआकृति विज्ञान, भूआकृति विज्ञान क्या है? पृथ्वी के धरातल के स्थलाकृतियों का हम अध्ययन करते हैं, या भूआकृति विज्ञान स्थल रूपों से संबंध का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, सागर, जो भी भ्रंश घाटियां, जो भी स्थलाकृतियां हैं, इन सबका अध्ययन हम भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो पहला आपका है भूआकृति विज्ञान है, पहला आपका क्या है? भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान हो गया आपका। चौथा पॉइंट आपका है जीव भूगोल। जीव भूगोल यह आपका भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हो गई। अब भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में हम पहले चर्चा करेंगे भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत। भूआकृति विज्ञान जो है आपका, भूआकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी के, अब देखिए स्थल रूपों का विज्ञान है। भूआकृति विज्ञान जो है वो आपका स्थल रूपों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, भू संतुलन और पर्वत व पर्वतों की उत्पत्ति, पर्वतों पठार का की उत्पत्ति, मैदान की उत्पत्ति, इसी तरह से आप देखेंगे ढालों का विकास या भू आकारों का, आकार मिति का, पृथ्वी के आकार मिति का विकास, नदियों की स्थलाकृतियां, पवनों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, नदी और हिमालयों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, पर हिमालय के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियां और हिमालय के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, वायु के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, इन सब स्थलाकृतियों का अध्ययन हम भूआकृति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत तीन प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, या यह कह सकते हैं भूआकृति विज्ञान में तीन प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच, भूआकृति विज्ञान को हम तीन भागों में बांट सकते हैं उच्चावच के दृष्टिकोण से, स्थल रूपों के दृष्टिकोण से। तो पहला आपका है प्रथम श्रेणी की उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। आप याद रखिएगा उच्चावच मतलब है धरातलीय विषमताओं के अध्ययन को ही उच्चावच कहा जाता है। तो कहीं पर अब प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? महाद्वीप एवं महासागर। आप देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन हो गए? महाद्वीप, महाद्वीप एवं महासागर। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या है आपके? द्वितीय, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। आप देख लीजिए द्वितीय श्रेणी के अंतर उच्चावच के अंतर्गत जो है, आप याद रखिए पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा या पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा महाद्वीप एवं महासागरों पर जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसे हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, झील है, सागर है और भ्रंश घाटी है, इन सब घाटियों के द्वारा जो उत्पन्न स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं वह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत हम जो आप पढ़ते हैं
जैसे भ्रंश घाटी है, नदी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, या पृथ्वी के अंतर्जाल से भूकंप आता है, ज्वालामुखी विस्फोट आता है, यह पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के द्वारा, अंतर्जात बलों के द्वारा, यह जो है आपका द्वितीय श्रेणी के उच्चावास के अंतर्गत आते हैं, या लिखी ऐसे हो गया। अब आपका तीसरा क्या है, तृतीय श्रेणी के उच्चावास, तृतीय श्रेणी के उच्चावास, उच्चावास आप याद रखिएगा, तृतीय श्रेणी के उच्चावास जो है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावास के पर बाह्य वाय के बाह्य अस्थलाकृतियां जो बनती हैं, वाय के द्वारा निर्मित अपरणात्मक स्थितियां जो बनती हैं, वह जो है तृतीय श्रेणी के उच्चावास के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए सैत्या द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, वाय द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, समुद्र द्वारा अस्थलाकृतियां, समुद्र द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, जैसे बाह्य, जैसे पर्वत पठार मैदान जो निर्मित द्वितीय श्रेणी के उच्चावास है, उस पर जो है बाह्य द्वारा, बाह्य शक्तियों द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां जो निर्मित होती हैं, वो तृतीय श्रेणी के उच्चावास के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए सैत्या नदी द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, वाय के द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, हिमानी के द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, पर हिमानी द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां, तो ये सब जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसी तरह से आपका जो है तृतीय श्रेणी के उच्चावास के अंतर्गत आते हैं। अब आप सपोज कर लीजिए जैसे नदी द्वारा निर्मित अस्थलाकृतियां हैं, जैसे जितनी भी अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है, भूमिगत जल द्वारा अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे काश अस्थलाकृतियां हैं, डोलाइन है, युवाला है, पोलजे है, तमाम ऐसी घाटियों का अस्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, ये सब क्या है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो भूआकृत विज्ञान को हम, या भूआकृत विज्ञान के को हम चार भागों में बांट सकते हैं। जैसे है भूआकृत विज्ञान के चार भाग हैं, अब कौन कौन से है, पहला आप क्या हो जाएगा, आप देखिए पहला आपका हो जाएगा जलवायु भूआकार की, जलवायु, जलवायु भूआकार की, जलवायु भूआकार की। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आप सपोज कर लीजिए ये व्यवहारिक भूआकार की, व्यवहारिक, व्यवहारिक भूआकार की। तीसरा आपका है प्रादेशिक भूआकार की, प्रादेशिक भूआकार की। इसी क्रम में आपका चौथा जो है आपका तटीय भू आकार की है, यह तटीय चौथा आपका है तटीय भू आकार का। अब देख लीजिए भूआकृत विज्ञान को हम, भूआकृत विज्ञान की जो भौतिक भूगोल की जो पहली शाखा है आपका भूआकृत विज्ञान है। भूआकृत विज्ञान में तीन स्थलाकृतियों के उच्चावास पाए जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावास, द्वितीय श्रेणी के उच्चावास और तृतीय श्रेणी के उच्चावास। भूआकृत विज्ञान को हम चार शाखाएं हैं, वह कौन कौन सा है, पहला है जलवायु भूआकार की, दूसरा है व्यवहारिक भूआकार की, तीसरा है प्रादेशिक भूआकार की, चौथा आपका है तटीय भूआकार की। अब हम बता रहे हैं भूगोल की दूसरी शाखा है समुद्र विज्ञान, भूगोल की दूसरी शाखा है समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्र के अंदर की नितल या सागर के नितल के उच्चावच और उसकी स्थलाकृतियां, महासागरीय तापमान, लवणता, घनत्व और महासागरीय ज्वार भाटा, तरंगे, लहरें और महासागरीय धाराएं या महासागरीय धाराओं का हम वर्णन करते हैं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। और ऐसे समुद्र जो हैं आपके मुख्य रूप से तीन ही समुद्र हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो सबकी स्थलाकृतियां उसके नितल के उच्चावर, चाहे वो जिस प्रकार से
पृथ्वी के धरातल पर धरात्री विषमताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी धरात्री विषमताएं पाई जाती हैं, चाहे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं भ्रंश घाटियां हैं, कहीं इसी प्रकार से तमाम महासागरीय बेसिन भी पाए जाते हैं। तो यह समुद्र विज्ञान इसकी एक दूसरी शाखा भौतिक भूगोल की। समुद्र विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसको हम समुद्र विज्ञान की चार उप शाखाएं हैं। पहला आपका है जैसे भौतिक समुद्र विज्ञान, पहला आपका क्या है भौतिक समुद्र विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान। दूसरा आपका है रासायनिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान। अब आप देखिए समुद्र विज्ञान की को पांच उप शाखाएं हैं। पहला आपका भौतिक समुद्र विज्ञान, दूसरा आपका रासायनिक समुद्र विज्ञान, तीसरा आपका भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान, चौथा आपका है व्यवहारिक व्यवहारिक समुद्र विज्ञान। पांचवा आपका समुद्र मौसम विज्ञान, समुद्र मौसम विज्ञान। अब देखिए समुद्र विज्ञान की पांच उपशाखाएं होती हैं। अब भौतिक समुद्र विज्ञान, पृथ्वी समुद्र के अंतर्गत उसके पर्वत पठार मैदान का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक समुद्र विज्ञान, समुद्र के अंदर तमाम केमिकल तमाम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान, जैसे आपको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, ज्योग्राफर मस्ट टेक फ्रॉम द जूलॉजिस्ट, समुद्र वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता सदैव भूगर्भ वैज्ञानिक पर निर्भर रहता है। तो जो भूवैज्ञानिक होता है, भूवैज्ञानिक समुद्र के अंदर जो खनिज पदार्थों का खोज करता है, खोज करता है, अन्वेषण करता है, नए नए खनिज पदार्थों को बताता है, उसको हम भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक समुद्र विज्ञान, हम अपने व्यवहार को, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान, संस्कृति कल्चर व्यवहार या वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश को हम अपने जल यातायात के माध्यम से आते जाते रहते हैं, इसको हम व्यवहारिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। समुद्र मौसम विज्ञान क्या आपका, समुद्र मौसम विज्ञान जो है समुद्र के आधार पर ही हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। मौसम क्या है, 24 घंटे में वर्षा तापमान आवर्ता को हम निकाल करके मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। अब इसी को अब देखिए मौसम जो होता है अल्पकालिक होता है 24 घंटे का, और जलवायु भी थोड़ा बता दें, जलवायु जो होता है दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक दैनिक जैसे दैनिक तापमान वर्षा तापमान और आर्द्रता को देखते हुए 12 महीने के इनके योग से हम जो है जलवायु का निकाल लेते हैं। तो मौसम का जो भविष्यवाणी की जाती है, प्रतिदिन बताया जाता है कि आज फला जगह तूफान आएगा, बारिश होगी, यदि क्या कैसे होगा, ये सब की भविष्यवाणी जो की जाती है समुद्र मौसम विज्ञान के द्वारा ही की जाती है। अब आप देख लीजिए तीसरा आता है जलवायु विज्ञान, तीसरा क्या है जलवायु विज्ञान, आप देख लीजिए क्या है जलवायु विज्ञान हो गया। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत तीसरा क्या आपका जलवायु विज्ञान, इसमें जो है मौसम की सामान्य दशाओं का विश्लेषण किया जाता है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। जैसे हम आपको बता दिए हैं अल्पकालीन दशाओं के योग को हम मौसम कहते हैं। अब अल्पकालीन दशाओं में क्या क्या हम अध्ययन करते हैं, तापमान वर्षा और आर्द्रता तीनों के योग से 24 घंटे के को हम जो योग निकालते हैं उससे हम मौसम का पूर्वानुमान निकालते हैं। तो इसी तरह दीर्घकालीन दशाओं का इन्हीं फैक्टर के इन्हीं तत्वों के योग, तापमान वर्षा वार्ता के तीनों के योग से दीर्घकालीन मतलब 12 महीने के इनके योग से हम जलवायु का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की जलवायु है। तो इसको हम जलवायु विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब जलवायु विज्ञान देखिए सामान्य दशाओं का विश्लेषण करता है, सामान्य मौसम दशाओं का विश्लेषण करता है। अब सामान्य मौसम, मौसम हमेशा प्रतिदिन का मौसम भिन्न भिन्न होता है, इससे जो भविष्यवाणी हम करते हैं। तो जलवायु विज्ञान की जो शाखाएं हैं यह मुख्य रूप से तीन है, जैसे प्रादेशिक है, व्यवहारिक और भौतिक है। पहला है जलवायु विज्ञान की
तीन उपशाखाएं हैं। पहला है आपका प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान। दूसरा है भौतिक जलवायु विज्ञान, देखिए प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, भौतिक जलवायु विज्ञान, और इसी तरह से आपका तीसरा है आपका व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, जो हम व्यवहार में आते हैं। तीसरा आता है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। यह आपका हो गया तीसरा जलवायु विज्ञान। अब हम आपको बताएंगे चौथा है आपका जीव भूगोल, जीव भूगोल, जीव भूगोल को चौथी उपशाखा है, भौतिक भूगोल की शाखा है जीव भूगोल। जीव भूगोल का निर्माण कैसे हुआ? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के तीनों के योग से जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसे हम जीव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आप जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के तीनों, चाहे वो जल मंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, सब में तीनों के पारस्परिक सहयोग से ही जैव मंडल का निर्माण होता है। अब जैव जीव भूगोल को हम दो उपशाखाएं हैं, जीव भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? दो उपशाखाएं। पहला है आपका पादप भूगोल, क्या है? पादप भूगोल। दूसरा क्या है? प्राणी भूगोल। इसकी दो उपशाखाएं हैं, कौन कौन सी? अब आप जान लीजिए, पादप भूगोल, पादप भूगोल, तीसरा है प्राणी भूगोल। प्राणी भूगोल। अब आप जान लीजिए जीव भूगोल, आप देखिए कहीं भी है, पादप भूगोल मतलब पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, प्राणी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब ऐसे देखेंगे जो जैव स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के एक से जो जैव भूगोल का निर्माण होता है या जीव भूगोल का जो निर्माण होता है, अब इसमें आप देखेंगे सब पादप भूगोल क्या है, वनस्पतियों का भूगोल जो है, यह आप अध्ययन करेंगे तो जलवायु के अनुसार ही जहां पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां पर उसी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का उद्भव होता है। अब जहां जैसे विषुवतरेखीय जलवायु है तो वहां पर जो है विषुवतरेखीय वन पाए जाते हैं पादप, उसी तरह उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है तो शीतोष्णकटिबंधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो टाइगर प्रकार की जलवायु है तो वहां टाइगर प्रकार के, टुंडा प्रकार के माने तो टुंडा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अध्ययन करते रहेंगे तो इस तरह से जलवायु पादप भूगोल का अध्ययन, जहां जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां उसी प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और उसी जलवायु पेड़ पौधों के अनुकूल ही प्राणी भूगोल, वन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं, चाहे वो देख लेंगे आप जलवायु के अनुसार ही जीवों का निर्माण होता है, चाहे वह पेड़ पौधे का हो चाहे वह जीव जंतु का, जहां पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहां पर उसी प्रकार के जीवों का भी विकास होता है। आप देखते होंगे चाहे एक स्थान दूसरे स्थान पर जलवायु के अनुसार हम जाते हैं तो देखते हैं तो वहां पर जीवों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो यह जो है प्राणी भूगोल है। तो भौतिक भूगोल की चार प्रमुख शाखाएं हैं जो हम आपको बता चुके हैं। भौतिक भूगोल की ये अंतिम शाखा थी जीव भूगोल, जिसमें पादप भूगोल और प्राणी भूगोल के अंतर्गत हम रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अब आज यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।